फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल रश्मिज लॉ अकेडमी। टुडे आई एम गिविंग यू द नोट्स ऑन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स एक्ट एंड स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देयर कंपोजिशन एंड द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके गाइस, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैसे बना था, फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द कंपोजिशन, कि इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी। ऑन द एडवाइस ऑफ लॉ कमीशन, पार्लियामेंट एनेक्टेड द एडवोकेट एक्ट 1961 एंड रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्राइम प्रेसिडेंट ऑन 19 मई 1961। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ कमीशन की एडवाइस हुई थी उसके थ्रू पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया था एडवोकेट्स एक्ट 1961 और रिसीव किया था एसेंट प्रेसिडेंट ने अपनी उस पर सहमति दे दी थी 19 मई 1961 को, ताकि ये बनाया जा सके बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक्ट बना है, काउंसिल जो बना है, ये एडवोकेट्स एक्ट के अंडर बना है। तो इस एक्ट को बनाने के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, अब मैं आपको ये बताती हूँ। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट आर, द एक्ट सीक्स टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑल इंडिया बार कमिटी मेड इन 1953 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द लॉ कमीशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन सो फार एज द रिकमेंडेशंस रिलेट टू द बार एंड द लीगल एजुकेशन। मतलब ये लीगल एजुकेशन के लिए इसके इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत ये पड़ी थी कि रिकमेंडेशंस हुई थी ऑल इंडिया बार कमेटी की, जो कि 1953 में हुई थी, तो इसको एक संज्ञान में लिया गया था रिकमेंडेशंस को ऑफ द लॉ कमीशन की, ठीक है। एंड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिफॉर्म ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म की तरह फॉर्म में एक रिफॉर्म लाया गया था ये, ताकि इसको लीगल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके और हर जगह पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया जा सके, ताकि वो सारे एडवोकेट्स के ऊपर और लॉज के ऊपर पूरा कंट्रोल जो है और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है एक काउंसिल के अंडर आ सके, उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ओके, द मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट आर, तो मैं आपको ये बताती हूँ इसके फीचर्स क्या हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया बार काउंसिल एंड अ कॉमन रोल ऑफ एडवोकेट्स, मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कि एक ऑल इंडिया बार काउंसिल बनाया जाए, ताकि जिसके अंदर सारे कॉमन रोल बना दिया जाए एडवोकेट्स के लिए। जो भी एडवोकेट्स, जो भी स्टूडेंट्स लॉ के अपनी डिग्री ले लेते हैं, जब अपना लॉयर बन जाते हैं, तो उनको एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट करवाना पड़ता है, कॉमन रोल जिसको ऑफ बोलते हैं, तो वो बार काउंसिल के अंडर होता है। तो उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कि एक बार काउंसिल का जो एस्टेब्लिशमेंट हो जाए इंडियन लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इसलिए ऑल इंडिया बार काउंसिल बनाया गया। सेकंड है, एडवोकेट्स ऑन द कॉमन रोल हैविंग अ राइट टू प्रैक्टिस इन एनी पार्ट ऑफ द कोर्ट कंट्री एंड इन एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। मतलब इसके थ्रू एडवोकेट्स को कॉमन रोल में उनका एनरोलमेंट होने से उनको ये राइट दे दिया गया कि वो प्रैक्टिस कहीं पे भी पूरी इंडिया के अंदर, जैसे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स बन गए हैं, तो वो इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी करने का उनको राइट मिल गया इसके थ्रू। द इंटीग्रेशन ऑफ द बार इनटू अ सिंगल क्लास ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स नोन एज एडवोकेट्स, मतलब एक सिंगल बार बन गया था लीगल प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो कि एडवोकेट्स के लिए स्पेशली बनाया गया था। द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू पर्सन टू बी एडवोकेट्स, मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन दी गई थी कि एक यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशन होगी इनके लिए एडमिशन्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, कि भाई इनको लॉ की डिग्री इनके लिए कंपलसरी है, सबके लिए सेम क्वालिफिकेशन है एडवोकेट्स के एनरोलमेंट के लिए। फिर उसके बाद आया था कि नेक्स्ट फीचर है द डिवीजन ऑफ एडवोकेट्स इनटू सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स बेस्ड ऑन मेरिट, इसमें इनको डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट्स में, कि कुछ होंगे सीनियर एडवोकेट्स एंड कुछ होंगे एडवोकेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मतलब अदर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट्स तभी बन पाएंगे जब उनको मेरिट और उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एज के ऊपर, उनके एक्सपीरियंस को देख के कुछ उनको बेसिस पे, उनको कुछ एडवोकेट्स को जिनको एक्सपीरियंस होगा और उनकी एज होगी, उसके हिसाब से उन्हें सीनियर एडवोकेट बना दिया जाएगा। और सीनियर एडवोकेट्स मोस्टली सुप्रीम कोर्ट में वर्क करेंगे एंड अदर एडवोकेट्स बेस्ड ऑन मेरिट, और अदर एडवोकेट्स अलग से होंगे, उनको भी मेरिट के बेस पे सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस बार काउंसिल फॉर द होल ऑफ इंडिया एंड फॉर द ईच स्टेट, मतलब क्रिएशन बना दिया गया, ऑटोनोमस बार काउंसिल बना दिया गया फॉर द होल ऑफ इंडिया एंड वन फॉर ईच स्टेट, मतलब एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करेगा बार काउंसिल। इसमें ये बताया गया था कि पूरे ऑटोनोमस जो बनेगा एक बार काउंसिल, पूरे नेशनल लेवल पे एक बार काउंसिल होगा,
जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोला जाएगा एंड द हर स्टेट के अंदर स्टेट बार काउंसिल के नाम से बनेगा कि जो स्टूडेंट जिस स्टेट में रह रहे हैं या जिस स्टेट में अपना एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, जैसे गाजियाबाद यूपी के स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, यूपी वाले यूपी के अंदर अपना इलाहाबाद के अंदर बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट करवाएंगे। तो हर एक को अपने अपने स्टेट के अंदर अलग अलग बार काउंसिल दे दिया गया ताकि अपनी नियर बाय बार काउंसिल के अंदर वो अपना एनरोलमेंट करवा सकें और वहाँ काम कर सकें। तो ये रिकमेंडेशंस थी। आगे फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑल इंडिया बार कमेटी एंड लॉ कमीशन, द एक्ट रिकॉग्नाइजेज एंड कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम नोन एज ड्यूअल सिस्टम नाउ प्रिवेलिंग इन द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता now Kolkata and Bombay now Mumbai by making suitable provisions in that behalf. It would however be open to the high courts if they so desire to discontinue this system at any time. इसका मतलब ये था कि इन recommendations को follow करते हुए All India Bar Committee की and Law Commission ने recognize किया और continue किया इसको as a system, जो कि system बन गया dual system के नाम से, जो कि prevail करता है High Courts of Calcutta के, जो कि अब Kolkata हो गया है, और Bombay जो कि Mumbai बन गया है, तो इनके अंदर अभी भी prevail करता है by making suitable provisions, मतलब provisions suitable बना दिए गए on that behalf. It would however be open, मतलब ये open रहेगा टू हाई कोर्ट्स, इन दोनों हाई कोर्ट्स में, इफ दे सो डिजायर टू डिसकंटिन्यू दिस सिस्टम एट एनी टाइम, मतलब वो बंद भी कभी भी कर सकते हैं, मतलब कोलकाता एंड मुंबई में स्टार्ट किया गया था सबसे पहले। फिर दिस एक्ट अमेंड्स टू एंड कंसोलिडेट्स द लॉ रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउंसिल, मतलब ये जो अमेंड किया गया है और कंसोलिडेट किया गया है एक्ट को लॉ रिलेटिंग टू, ये लीगल प्रैक्टिशनर्स के लिए है जो लीगल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एंड टू प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब बार काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाने के लिए एक्ट ऑन ऑल इंडिया बार बनाई गई। इसलिए दिस एक्ट एज पर सेक्शन 1 सब क्लोज 4 शेल इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन दीव, इन सब में भी फोर्स में आ गया था जम्मू कश्मीर और दमन दीव में 1 जून 1979 को। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एडवोकेट्स एक्ट के कंटेंट्स क्या हैं। द कंटेंट्स ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 आर द एडवोकेट्स एक्ट कंटेंट्स, इसके अंदर 60 सेक्शंस हैं जो कि 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर है इसका, डील करता है प्रिलिमिनरी इश्यूज के साथ में, जिसमें है प्रिलिमिनरी इश्यूज में होता है शॉर्ट टाइटल, जो स्टार्टिंग में सबसे पहला चैप्टर होता है उसके अंदर है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट एंड डेफिनेशंस, जो इसकी स्टार्टिंग में डेफिनेशंस बताई गई जाती हैं कि भाई इस एक्ट के अंदर जो जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं, उन सबकी डेफिनेशंस और शॉर्ट टाइटल्स वगैरह दिए जाते हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन और एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स एंड कंटेन 16-28 सेक्शंस, मतलब इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा और एडवोकेट्स का एनरोलमेंट कैसे होगा वो 16-28 सेक्शंस में बताया गया है। चैप्टर 2 में 3-15 सेक्शंस है जो कि बार काउंसिल के बारे में बताते हैं, और चैप्टर 3 है, मैंने गलती से चैप्टर 3 ऊपर लिख दिया, चैप्टर 2 नीचे लिख दिया है, तो चैप्टर 2 जो है वो बार काउंसिल के बारे में बताता है, उसमें 3-15 सेक्शंस है, और चैप्टर 3 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद में एडवोकेट्स का एनरोलमेंट के बारे में बताता है, वो सेक्शन 16-28 है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 4 जो कि डील करता है राइट टू प्रैक्टिस के लिए, मतलब इनको एडवोकेट्स को जो राइट टू प्रैक्टिस दिए गए हैं वो कौन कौन से राइट्स हैं, वो चैप्टर 4 में है। चैप्टर 5 बताता है कि डील्स विद द कंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स, मतलब ये आपको इसलिए बताने जरूरी है याद रखने ताकि आपको इससे सेक्शंस के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक क्या चीज़ है, ताकि एग्जाम में आपको लिखने में ईजी रहे। ये सेक्शन वाइज चैप्टर्स इसलिए डिवाइड करके स्पेशली बताए जा रहे हैं इसके अंदर। ओके, तो चैप्टर 5 के अंदर सेक्शन 35-44 जो है वो डील करता है कंडक्ट, जो एडवोकेट्स का कंडक्ट कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, उसमें बिहेव मिसबिहेव इनका सब कुछ, इसका ड्यूटीज़ वगैरह बताई जाती हैं। उसके बाद चैप्टर 6 में कंटेन किया गया है मिसलेनियस इश्यूज़, मतलब और अदर इश्यूज़ कौन कौन से होंगे वो चैप्टर 6 में है। चैप्टर 7 के अंदर डील करता है टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, जो टेम्परेरी प्रोविजन भी कुछ होते हैं हर एक्ट के, तो वो चैप्टर 7 में दिया गया है। उसके बाद बताया गया कि जो एडवोकेट एक्ट है वो रिपील करता है इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 को, उसने रिपील करके बनाया गया, मतलब पहले 1926 का बार काउंसिल का एक्ट था, लेकिन अब उसके बाद में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने के बाद में एडवोकेट्स एक्ट 1961 आ गया है, तो अब ये प्रिवेल कर रहा है। तो 1961 का एडवोकेट्स एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है एक ऑटोनोमस बार काउंसिल इन ईच स्टेट, ये मैंने पहले भी बताया कि भाई हर स्टेट में ऑटोनोमस बन गया है अपनी बॉडी, वो स्टेट बार काउंसिल के नाम से जानी जाती है, और ऑल इंडिया बार काउंसिल वो कंसिस्ट करता है मेनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल
के रिप्रेजेंटेटिव्स को ही मिलकर बार काउंसिल बनाया गया है। मतलब बार काउंसिल जो ऑल इंडिया लेवल पे है उसके अंदर हर स्टेट बार काउंसिल, मतलब हर ईच स्टेट के बार काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है, जो कि फिर वो ऑल इंडिया बार काउंसिल के मेंबर्स बन जाते हैं। तो अंडर द एक्ट अ स्टेट बार काउंसिल इज टू एनरोल, मतलब इस एक्ट के थ्रू स्टेट बार काउंसिल एनरोल करता है क्वालिफाइड पर्सन्स को जो कि एडवोकेट्स होते हैं और प्रिपेयर करते हैं रोल ऑफ एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग इनटू स्टेट एंड देयर आफ्टर अ कॉमन रोल ऑफ एडवोकेट्स फॉर द होल ऑफ इंडिया इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब क्वालिफाइड पर्सन जिनकी ये क्वालिफिकेशन लॉ की क्वालिफिकेशन एक्वायर कर लेते हैं वो एडवोकेट्स और जो प्रिपेयर हो जाते हैं फिर रोल उनका नाम रोल में एडमिट हो जाता है, वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन जाते हैं हर स्टेट के एंड देयर आफ्टर अ कॉमन रोल ऑफ एडवोकेट्स फॉर द होल ऑफ इंडिया इज टू बी प्रिपेयर्ड। इस तरह से फिर एक कॉमन रोल ऑफ एडवोकेट्स पूरे होल ऑफ इंडिया के लिए बना दिया जाता है जिसके अंदर हर एडवोकेट का नाम मेंशन होता है, एनरोलमेंट हो जाता है, उससे एक लिस्ट उनके पास बार काउंसिल के पास रहती है कि कौन सा एडवोकेट ने कब एनरोलमेंट करवाया है, उसने कब लॉ पास किया था, कब एनरोलमेंट करवाया है, क्योंकि लॉ पास करने के 2 साल के अंदर आई थिंक कि उनको एनरोलमेंट करवाना कंपलसरी होता है एडवोकेट्स को अपना, तो वो कौन सा एडवोकेट कहाँ काम कर रहा है ये, और उनका आगे आगे ये भी प्रोसीजर है कि अगर आपका कोई एड्रेस चेंज हो जाता है, आप किसी और स्टेट में काम करने लग जाते हैं तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन बार काउंसिल को देनी पड़ती है। इसलिए उनके पास प्रॉपर एक लिस्ट मेंटेन रहती है बार काउंसिल के पास कि कौन से एडवोकेट्स का रोल का नाम किस उसमें स्टेट बार काउंसिल में है, उससे एक होल ऑल ओवर इंडिया की लिस्ट प्रिपेयर कर दी जाती है। तो द एडवोकेट्स हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द कॉमन रोल वुड बी एंटाइटल्ड टू राइट टू प्रैक्टिस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर जिनका नाम एंटर्ड हो जाता है कॉमन रोल के अंदर फिर उन्हें ये राइट भी मिल जाता है कि आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। तो एडवोकेट्स एक्ट जो है वो अमेंड किया गया कई बार, अमेंडेड मेनी टाइम्स टू ब्रिंग चेंजेस विद द चेंजिंग टाइम्स एंड टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें कई बार अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम की गई हैं। अकॉर्डिंग टू एडवोकेट्स एक्ट 1961 द बार काउंसिल हैव बिकम कंप्लीट ऑटोनॉमस बॉडीज विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एडवोकेट्स। मतलब जो इस एडवोकेट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग बार काउंसिल जो है वो बन गई है कंप्लीट ऑटोनॉमस बॉडी बन गई है विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एडवोकेट। मतलब यहाँ से जो स्टेट बार काउंसिल से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एडवोकेट्स उनको बार काउंसिल के अंदर नॉमिनेट करके उनका मेंबर बना दिया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ गाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैसे होता है, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर कैसे सिलेक्शन और क्या प्रोसीजर है इसका ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। इनकी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है एंड स्टेट बार काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं एज पर एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंडर ही आते हैं ये। एज पर सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट का ये बताता है कि देयर शैल बी अ बार काउंसिल, एक बार काउंसिल होगी फॉर द टेरिटरीज, हर टेरिटरीज के लिए, टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू बी नोन एज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जहां जहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट एक्सटेंड किया जाता है वहां वहां हर टेरिटरी में एक स्टेट बार काउंसिल बनेगा इंडिया विच शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, उसमें कौन कौन होंगे ये बताया गया है। उसमें एक होगा स्टेट अटॉर्नी, नंबर 1 पे होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो जो पहले ऑफिसर रह चुके होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, सेकंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो, थर्ड होगा 1 मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। मतलब जो मेंबर्स हैं स्टेट बार ऑल इंडिया बार काउंसिल के, इसके अंदर स्टेट बार काउंसिल जो हर स्टेट जो है हर ईच स्टेट के अंदर जो मैंने पहले भी बताया था इलेक्शन होगा मेंबर्स का, जिन जो जो सिलेक्ट हो जाएंगे उसमें से हर स्टेट बार काउंसिल से एक एक, तो वो उनका उनको एज ए मेंबर ऑल इंडिया बार काउंसिल के अंदर उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाएगा, वो मेंबर्स बन जाएंगे। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर बीइंग इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया अनलेस ही पोजेस द क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन ऑफ टू सबसेक्शन। मतलब ये सारा वही लिखा है कि भाई आप एलिजिबल होंगे बार काउंसिल के मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन आपको दी गई है स्पेसिफाई की गई है सबसेक्शन 2 में सेक्शन 3 के, तो उस हिसाब से आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए कम से कम इन रिलेशन टू एनी पर्सन एंड शैल बी इंक्लूडेड एनी पीरियड ड्यूरिंग द विच, मतलब उसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और वो क्वालिफिकेशन ये वाली चाहिए कंपलसरी है। पीरियड ड्यूरिंग द विच पर्सन हु हैज बीन एन एडवोकेट एनरोल अंडर द इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 में हु के अकॉर्डिंग ये मेंशन किया गया है और सेक्शन 4 में ये बताया गया है। देयर शैल बी अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द काउंसिल इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 के अंदर जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है कि एक इनके अंदर चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन भी होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट
या पर्सन होल्डिंग ऑफिस और एज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक पर्सन होंगे जो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन की पोस्ट को होल्ड करेंगे इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, वो इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट अमेंड होगा 1997 में जो अमेंडमेंट हुई थी, शैल बी सच कमेंसमेंट, उस कमेंसमेंट होने के बाद उस ऑफिस को सीज, मतलब ऑफिस में नहीं रह सकेंगे वो, उस ऑफिस के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं रहेंगे, प्रोवाइडेड दैट सच चेयर पर्सन शैल कंटिन्यू, तब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी ड्यूटीज को जब तक कि हिज ऑफिस अंटिल द चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एज केस मे बी द काउंसिल इलेक्टेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 1977 एज्यूम्स चार्ज ऑफ द ऑफिस सेक्शन 4 में जैसा बताया गया है, वो तब तक जब तक नया अपॉइंट नहीं हो जाता है चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, तब तक कि वो अपनी उस पोस्ट को होल्ड करके रखेंगे। द टर्म ऑफ ऑफिस की कैसी रहेगी, बार मेंबर्स की, बार काउंसिल के मेंबर्स की जिनको इलेक्ट किया गया हर स्टेट में, स्टेट से, इन सब की मेंबर्स की होगी। इन केस ऑफ मेंबर, अगर जो मेंबर हैं उनकी तो होगी एक्स काउंसिल हु होल्ड्स एक्स ऑफिशियल्स जो हैं, जो इनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन वगैरह बताए मैंने, वो तो 2 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन टिल ही सीजेस, जब तक उनकी पोस्ट सीज नहीं हो जाती टू बी मेंबर ऑफ द बार काउंसिल विच एवर इज अर्लियर, और इन केस इन एनी अदर केस फॉर बी फॉर द पीरियड ऑफ फॉर विच He holds office as a member of the state bar council, provided that इसके अंदर such member जो है continue करेंगे hold office as a member of bar council of India until his successor is elected, मतलब जब तक उनका successor नहीं आ सकता, उनका 2 साल का अगर time है तब तक तो, और जब तक कि फिर अगर election के through उनका successor नहीं आ जाता तब तक उनको hold करके रखनी पड़ेगी seat। हर bar council के अंदर, every bar council shall be a body corporate having perpetual succession होगी इसके अंदर हर bar council के अंदर, and a common seal होती है with proper to acquire to hold प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए, हर बार काउंसिल एक प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, उनकी कॉमन सील होती है, एंड मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, एंड टू कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसी के साथ भी, एंड मे बाय द नेम बाय विच इट इज नोन एज द एंड बी स्यूड, मतलब ये स्यू भी कर सकते हैं और स्यू हो भी सकते हैं बार काउंसिल, ये प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होते हैं, इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है BCI बोला जाता है इसको, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है जो कि इनके सेक्शन 7 के अंदर दिया गया है एडवोकेट्स एक्ट के अंदर कि बार काउंसिल के फंक्शंस क्या क्या हैं। नंबर 1 में ऑमिट कर दिया गया था पहले, ठीक है, नंबर 1A ऑमिट। नंबर बी है, फर्स्ट बी, टू ले डाउन स्टैंडर्ड बनाएंगे प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट्स ऑफ द एडवोकेट्स, मतलब एडवोकेट्स के प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा होगा, उनका एटिकेट्स कैसा होगा टुवर्ड्स कोर्ट एंड अदर, इनकी जो होते हैं इनके अदर जिसके लिए लाइबल है ये, उन सब के लिए इनका प्रोफेशन कैसा होगा, कोर्ट के लिए, सोसाइटी के लिए, क्लाइंट के लिए, ओपोनेंट के लिए, कोर्ट में, हर जगह पे, पब्लिक में, इनका एटिकेट कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, और ये सारे इसकी फंक्शंस बता रही बार काउंसिल मेंटेन करता है। ये सी है कि टू ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द टू डिसिप्लिनरी कमेटी एंड द डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल, मतलब ये जो है प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, डिसिप्लिनरी कमेटी बनाया करेगी बनाएगी और जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो हर स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपनी अपनी अलग से बनेगी। टू सेफ गार्ड द राइट्स प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स, डी में बताया गया है कि ये सेफ गार्ड करेंगे राइट्स को, प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट को एडवोकेट्स के फेवर में भी काम करेगी। एंड ई है में बताया गया है टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म, मतलब ये लॉ के रिफॉर्म्स को प्रमोट और सपोर्ट करेगी BCI। एफ में बताया गया है टू डील विद द डिस्पोज ऑफ एनी मैटर अराइजिंग अंडर दिस एक्ट विच मे बी रेफर्ड टू इट बाय अ स्टेट बार काउंसिल, मतलब जो कि स्टेट बार काउंसिल से कोई मैटर ऐसा आएगा, उनके पास कोई प्रॉब्लम उनके कोर्ट में अगर हो गई है तो वो उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, मतलब उस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट में बताया है जी में टू एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द स्टेट बार काउंसिल, मतलब हर स्टेट बार काउंसिल के ऊपर जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल BCI का ही रहेगा। एच में बताया टू प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स टू सच एजुकेशन इन कंसल्टेशन विद द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इम्पार्टिंग सच एजुकेशन एंड द स्टेट बार काउंसिल्स, मतलब ये प्रमोट करेंगे लीगल एजुकेशन को, प्रमोट करेंगे और ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएंगे जो कि एजुकेशन को कंसल्टेशन दिया जाएगा यूनिवर्सिटीज के थ्रू, और इम्पार्ट करेंगे एजुकेशन एंड द स्टेट बार काउंसिल को भी इम्पार्टेशन करेंगे। नेक्स्ट है आई पॉइंट में बोला है दैट टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज, मतलब रिकॉग्नाइज करने का काम भी इनका है यूनिवर्सिटीज को, दोज डिग्री लॉ कॉलेजेस हो गए जैसे कि शैल बी क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट के लिए एडवोकेट्स के लिए जो जो क्वालिफिकेशन नेसेसरी हैं वो सारी की सारी ये रिकॉग्नाइज करेंगे यूनिवर्सिटीज
को उनको कैसे कैसे करवाना है। फॉर दैट पर्पज टू विजिट एंड इम्पार्ट यूनिवर्सिटीज, इस पर्पज़ के लिए वो विजिट करेंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर, इंस्पेक्ट करेंगे उसको, और कॉज द स्टेट बार काउंसिल टू विजिट एंड इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज इन अकॉर्डेंस विद द सच डायरेक्शन एज इट मे गिव इन दिस बिहाफ। मतलब ये उनको वैसे ही डायरेक्शन देंगे कि भाई अपनी विजिट और इंस्पेक्शन के थ्रू जाके हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कि भाई उन्हें कैसे काम करना चाहिए। बीसीआई के अंडर आएंगे सारे के सारे लॉ कॉलेजेस वगैरह जो भी हैं, यूनिवर्सिटीज में लॉ का कोर्स कैसे किया जाएगा उसके लिए सारी गाइडलाइंस बीसीआई के थ्रू ही जाएंगी, ठीक है। डायरेक्शन सारी यही देंगे। टू कंडक्ट सेमिनार्स, मतलब सेमिनार्स कंडक्ट करेंगे एंड ऑर्गेनाइज टॉक्स एंड लीगल टॉपिक्स पे ऑर्गेनाइज करेंगे टॉक्स एंड मीटिंग्स एंड बाय एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड और एक्स ज्यूरिस्ट जो होते हैं, वो सारे के सारे जाके उनको समझाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे काम करना है। बाय एंड पब्लिश करेंगे, जर्नल्स पब्लिश किए जाते हैं, पेपर्स एंड लीगल इंटरेस्ट से रिलेटेड पेपर्स भी पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है जे ए, इसके अंदर बताया गया है टू कंडक्ट सेमिनार्स एंड ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन लीगल टॉपिक्स एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट बाय पब्लिश, ये हो गया। नेक्स्ट है आई बी, टू ऑर्गेनाइज लीगल एड टू द पुअर इन द प्रिस्क्राइब नंबर, और जो गरीब लोग हैं उनको लीगल एड प्रोवाइड किए जाएगी इसके थ्रू। आई सी में नेक्स्ट बताया गया है टू रिकॉग्नाइज ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस फॉरन क्वालिफिकेशन इन लॉ ऑब्टेंड आउटसाइड इंडिया। अगर आपने बाहर से लॉ की डिग्री ऑब्टेन की है फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन इन एन एडवोकेट अंडर दिस एक्ट, मतलब आपने किया है तो उसको भी रिकॉग्नाइज करने का ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस पे, फॉरेन क्वालिफिकेशन से अगर आपने लॉ की डिग्री ली है फॉरेन से तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। टू मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ बार काउंसिल, मतलब फंड्स जो इकट्ठे होते हैं बार काउंसिल के उनको मैनेज और इन्वेस्ट कैसे करना है ये भी बीसीआई ही बताएगा। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फॉर इलेक्शन टू ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर्स का इलेक्शन किस तरह से होगा ये भी बीसीआई डिसाइड करेगी। टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शंस रेफर्ड ऑन इट बाय और अंडर दिस एक्ट, मतलब परफॉर्म कैसे किए जाएंगे बाकी के फंक्शन सारे ये भी यही बताएंगी बीसीआई बताएगी इस एक्ट के अकॉर्डिंग। टू डू ऑल अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ अफॉरसेट फंक्शंस, मतलब इन सारे फंक्शंस को डिस्चार्ज कैसे करना है, इनका काम कैसे करना है, प्रोसीजर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड की जाएंगी बीसीआई के थ्रू। फिर उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बताया गया कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा, इसके अंदर फंड्स कौन कौन से बनेंगे, तो एक या उससे ज़्यादा फंड्स का भी बना सकते हैं वो, प्रोविजन है इसके अंदर कैसे बनेगा। इसके अंदर है गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम्स फॉर इंडिजेंट डिसेबल्ड एंड अदर एडवोकेट्स, मतलब जो एडवोकेट्स भी हैं जो गरीब हैं जिनको असिस्टेंस फाइनेंशियल चाहिए वो भी फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। बी में बताया कि गिविंग लीगल एड एंड एडवाइस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, मतलब ये गिविंग लीगल एड और एडवाइस भी प्रोवाइड करेंगे नीडी पीपल को जिन जिनको लीगल एड की ज़रूरत है, और उनकी हेल्प करेंगे एडवाइस भी देंगे उनको। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज, लॉ की लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी जो कि हर स्टेट बार काउंसिल के अंदर कोर्ट्स के अंदर आपको मिल जाएंगी, जिनको बुक्स की जरूरत पड़ती है बच्चे स्टूडेंट्स या एडवोकेट्स वहां से लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवा सकते हैं। नेक्स्ट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रिसीव एनी ग्रांट्स डोनेशन गिफ्ट बेनिफिकेशंस और ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 2, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो रिसीव भी कर सकती है ग्रांट्स डोनेशन गिफ्ट्स वगैरह बेनिफिशरीज, अगर उन्हें कोई देता है वो इकट्ठा करते हैं और वो फंड के अंदर डाल देते हैं जो कि उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, उसमें लगाने के लिए ये फंड्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7A ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है मे बिकम अ मेंबर बन जाती है, सेक्शन के अकॉर्डिंग 7A के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लीगल बॉडीज की मेंबर है, सच एज जो कि बॉडीज कौन सी, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, और द लीगल एड एसोसिएशन एक लीगल एड एसोसिएशन है जो कि लीगल हेल्प प्रोवाइड करती है और कंट्रीब्यूट करेंगे सच सम्स जो कि उनको पैसा आता है या पैसा वो कर सकते हैं सम्स एज इट थिंक फिट टू सच बॉडीज, मतलब इन सब बॉडीज में पैसा भी खर्च करते हैं फंड को एक्सपेंड करते हैं ताकि सच फिट टू सच बॉडीज बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन के तौर पे और अदरवाइज एंड अथराइज करते हैं एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन एनी इंटरनेशनल लीगल कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार, मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लीगल कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स होती हैं तो उसमें भी कुछ एक्सपेंडिचर्स होता है वो इन फंड्स के थ्रू इनको देना पड़ता है, ये देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैं आपको बताती हूँ पावर्स क्या है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। सबसे पहली पावर है टू मेक रूल अंडर सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट, ये बताता है कि ये पावर्स रूल्स हैं बनाने की पावर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स बनाएगी कैरी आउट करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट है टू इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर, मतलब ये रूल्स बनाए जाएंगे विदाउट प्रेजुडिस के बनाए जाएंगे जनरलिटी के, ओके। पावर्स कौन कौन सी हैं, नेक्स्ट है ए फर्स्ट
द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स होगा बार काउंसिल का बाय सीक्रेट बैलेट के थ्रू, इंक्लूडिंग द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच पर्सन्स कैन एक्सरसाइज द राइट टू वोट होगा इनके पास। पोस्टल बैलेट के थ्रू इनका इलेक्शन किया जाएगा। एंड द प्रिपरेशन एंड रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड द मैनर इन विच द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन शैल बी पब्लिश, किस मैनर में पब्लिश होगा, कैसे उनका इलेक्शन किया जाएगा, सीक्रेट बैलेट के थ्रू किया जाएगा, ये सारा रूल ये बनाएंगी BCI। बी है ऑमिट कर दिया गया है। थर्ड है सी, द मैनर ऑफ इलेक्शन कैसे होगा चेयरमैन का एंड द वाइस चेयरमैन, ये भी बार काउंसिल का होगा, ये रूल ये बनाएंगे। डी है मैनर इन विच द अथॉरिटी बाय विच डाउट्स और डिस्प्यूट्स जो है एज टू द वैलिडिटी ऑफ एन इलेक्शन टू द बार काउंसिल और टू ऑफिस ऑफ द चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शैल बी फाइनली डिसाइडेड। मतलब ये जो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है अथॉरिटी के अंदर, डाउट्स हैं, कुछ भी क्लियर करने हैं, तो वैलिडिटी कैसी होगी इलेक्शन की, बार काउंसिल की और ऑफिस ऑफ चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की, ये भी फाइनली इनसे ही BCI डिसाइड करता है। नेक्स्ट है एफ, द फाइलिंग ऑफ कॉज कैजुअल वैकेंसीज इन द बार काउंसिल, मतलब फिलिंग जो होती है अदर कैजुअल वैकेंसीज को कैसे फिल करना है, इसका रूल भी BCI बनाएगी। द पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगी चेयरमैन वाइस चेयरमैन बार काउंसिल के, ये भी यही बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, वन और मोर फंड्स कैसे कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे बार काउंसिल के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो देंगे लीगल एड प्रोवाइड करते हैं उसके लिए फंड्स बनाए जाने पड़ते हैं, वो कैसे बनाए जाएंगे, उसका भी एडवाइस जो होगा वो सारा एडवाइजिंग के लिए और लीगल हेल्प के लिए वो BCI बताएगी, डिसाइड करेगी। समन कैसे किया जाएगा, द समनिंग एंड होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स के लिए मीटिंग कैसे होल्ड होंगी और बार काउंसिल की, और कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या होगा वहाँ पे जो है, एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स नेसेसरी कितने होंगे कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कॉरम में, ये सारा भी BCI ही डिसाइड करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ द एनी कॉमन कमेटी ऑफ द बार काउंसिल एंड द टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, मतलब फंक्शंस क्या होंगे कमेटीज जो बार काउंसिल की बनी है उसके मेंबर्स के काम कैसे होंगे सच कमेटी, और इन द वो भी सारा डिसाइड होगा। द नेक्स्ट है द क्वालिफिकेशन एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सेक्रेटरी की कैसी होगी क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस, एंड द अकाउंटेंट हो गए, अदर एम्प्लॉयर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए बार काउंसिल के, उन सबके फंक्शंस क्वालिफिकेशन कंडीशंस क्या होंगी BCI डिसाइड करेगा। द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स ऑन द अदर बुक्स ऑफ बार काउंसिल जो है मेंटेनेंस एंड बुक्स वगैरह के अकाउंट्स वगैरह डिसाइड करेगी, बनाएगी, मेंटेन करेगी, उसके लिए रूल्स भी वही बनाएगी। द अपॉइंटमेंट होगी जो ऑडिटर एंड ऑडिट्स ऑफ द अकाउंट्स होगा वो भी बार काउंसिल ही करेगा अपॉइंटमेंट, ठीक है। द मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट होगी जो फंड्स की मैनेज कैसे किया जाएगा, इन्वेस्ट कहाँ कहाँ किया जाएगा फंड्स को, ये भी बार काउंसिल का काम है, ठीक है। एंड द थर्ड एंड नो रूल मेड अंडर दिस सेक्शन बाय आर स्टेट बार काउंसिल शैल हैव इफेक्ट अनलेस दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब अगर स्टेट बार काउंसिल कोई रूल बनाती है तो पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उन्हें अप्रूव करवाना पड़ता है। नेक्स्ट आपको मैं कमेटीज़ जो है वो गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ये ऑलरेडी लेंदी हो गया है, तो प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस, आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, आपको कैसे कैसे कौन कौन से नोट्स चाहिए किस टॉपिक पे, मैं आगे आपको बना के देती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग रश्मीज़ लॉ अकेडमी, थैंक यू सो मच गाइज़।